नमस्कार, मैं अनुषा व्यास। बॉलीवुड जगत में आपका स्वागत है। हर तरफ ईद का जश्न चल रहा है और ईदी भी दी जा रही है। इस मौके पर सलमान खान को भी उनकी ईदी मिल चुकी है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी ईद के मौके पर सलमान की फिल्म भारत रिलीज हो चुकी है, जिसके लिए लोगों में एक अलग ही क्रेज देखा जा रहा है। लोगों ने इसके लिए पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी और इस एडवांस बुकिंग को देखते हुए बताया जा रहा है कि इस बार सलमान की फिल्म पहले ही दिन बाहुबली जैसी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। सलमान खान का नाम भारत है, जिसमें भारत के 1947 से 2010 तक के सफर को बताया गया है। फिल्म में इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के सीन को भी रिक्रिएट किया गया है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि भारत की स्टोरी के साथ साथ हमारे देश भारत की स्टोरी भी साथ चल रही है। इसी के बाद फिल्म में आगे कैटरीना कैफ की एंट्री होती है। सलमान और कैटरीना दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। इसके बाद फिल्म एक अलग ही मोड़ लेकर आगे बढ़ जाती है। खैर, खास बात तो यह है कि सलमान अपनी फिल्म के लिए हाल ही में कपिल शर्मा के शो पर आए थे। शो पर जब कपिल ने सलमान से पूछा कि क्या आप ईदी देते हैं, तो सलमान ने कहा था, मैं ईदी देता नहीं हूँ, बल्कि मैं फिल्म रिलीज करता हूँ और दर्शकों से कहा आप लोग मुझे ईदी देते हैं, जो पिछली बार नहीं मिली। जी हाँ, सलमान खान ट्यूबलाइट की बात कर रहे थे। लेकिन आज की फिल्म को देखते हुए ये लग रहा है कि इस बार सलमान को ईद पर दर्शकों ने काफी अच्छा तोहफा दे दिया है। इसी तरह बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए अखबार जगत में। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अखबार जगत।